वेलकम बैक। आज का सवाल उन कपल्स का है जिनको ये जानना है कि सेफ डे कौन से होते हैं एक पीरियड साइकिल में, क्योंकि उनको अभी बेबी का प्लान नहीं करना है, इसलिए उनको सेफ डे की जानकारी चाहिए जिससे कि वो आगे की बेटर फ्यूचर प्लानिंग कर पाए। यहाँ पर दी जाने वाली जानकारी उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी जिनको अभी बेबी प्लान करना है। तो अगर आपको वो दिन जानने हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और अगर आपको उन दिनों के बारे में जानना है जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम जो आगे कैलकुलेशन करेंगे वो 26 तारीख के अकॉर्डिंग करेंगे जो आपने मुझे लिखी है, एंड उसके अलावा अगर आपकी कोई डेट और रहती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी एडवाइस ले सकते हैं कि आपकी डेट के अकॉर्डिंग आपके सेफ डे और अनसेफ डे कौन से हैं। उसके लिए आप मुझे कॉलिंग फॉर ऐप के थ्रू डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है और एक सेफ ऑप्शन भी है। जल्दी ही हम आपको पेड व्हाट्सएप कॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप आसानी से डायरेक्ट कॉल कर सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो सीधे चलते हैं आपके सवाल पर। आपने मुझे लिखा है कि 26 तारीख को अगर पीरियड स्टार्ट होता है तो ऐसे में आगे कौन से दिन सेफ होंगे। तो अगर किसी का पीरियड 26 तारीख को स्टार्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो आने वाले मंथ में 3 से 4 तारीख आएगी वहां तक आपके दिन सेफ रहेंगे, और जो ब्लीडिंग के दिन होते हैं 26, 27, 28 ये जो 2-3 दिन होते हैं इन दिनों को चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर इसमें रिलेशन बन जाता है तब भी 28 दिन की पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। फिर इससे आगे जो 5 तारीख से लेकर 14 तारीख आएगी ये आपके अनसेफ डे हुए, जिन दिनों में अगर आप मिलते हैं तो फिर आपको प्रोटेक्शन यूज करना है या फिर इन दिनों को अवॉइड करना है, बिकॉज इन दिनों में मिलने से ही प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तभी आप 5 से लेकर 14 तारीख के बीच में मिलेंगे, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो फिर आपको इन दिनों को खास तौर पर अवॉइड करना है या फिर इन दिनों में मिलने पर आपको श्योरली प्रोटेक्शन का यूज करना है, बिकॉज ये डेज ही मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं किसी भी वुमेन में, और इन्हीं दिनों में ओवरीज से एग भी रिलीज होता है, तो इसीलिए इन दिनों में ही मिलने से प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बाकी किसी दिन में मिलने से प्रेगनेंसी हो सकती है जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं या लास्ट के डेज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे आगे जो 15 से लेकर 24 तारीख तक रहेगी ये आपके फिर सेफ डे होंगे, जिन दिनों में अगर आप मिलते हैं और कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा जिन लोगों का सवाल आईपीएल से रिलेटेड रहता है उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आईपीएल को ऐसे ना खाइए जैसे चॉकलेट और टॉफी होती है कि बस लिया आओ खा लिया और प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, और एक सही समय पर उसको लेने का भी एक तरीका होता है, लेकिन हर समय ले लिया जाए जब जरूरत है तब ले लिया जाए तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। इसकी पूरी जानकारी मैंने दे रखी है वीडियोज में, इसका बहुत लोग मिस यूज कर रहे हैं। उन वीडियोज की लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले उसको देखें तब कभी आईपीएल के बारे में सोचें। अगर इसके अलावा आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे कॉल मी फोर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है और ये एक सेफ ऑप्शन भी है। इसके अलावा जल्दी ही हम आपको डायरेक्ट पेड व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देंगे जिससे कि आप उसके थ्रू भी कॉल कर पाए। मिलते हैं वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।